दोस्तों, जिस जगह हम अभी बैठे हैं, इस परिवार को मदद की जरूरत है, हमारी और आपकी। और ये व्यक्ति जो लेटे हुए हैं, इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि इनका दोनों किडनी खराब हो चुका है और सप्ताह में 2 बार डायलिसिस करवाना पड़ता है, जिसमें पैसा की जरूरत होती है। इलाज तो दूर की बात है, इनके परिवार में खाने तक की लालसा पड़ चुकी है। और जो बीमार व्यक्ति अभी हमारे पास लेटे हुए हैं, इनका नाम है मोहम्मद समीर अंसारी और इनका घर है मधुबनी शहर के मोमिन टोला में। और ऊपर जो अकाउंट नंबर देख रहे हैं, वो इन्हीं का नंबर है, मोहम्मद समीर अंसारी का। आप कोशिश करें कि उस अकाउंट नंबर पे जो मदद करना हो आपको, 100, 50, 500, 1000, वो उस अकाउंट नंबर पे लगा दे। यदि किसी कारण आपका पैसा अकाउंट नंबर पे नहीं लग पाता है, तो नीचे पे फोन नंबर दिया गया है, जो हमारा है, आप उस पे फोन नंबर पे पैसा लगा दे। हम लोग पुनः 2-4 रोज के बाद वीडियो बनाकर इनके परिवार को वो पैसा सौंप दूंगा। आगे चलिए, इनके परिवार से हम बात करते हैं और जानते हैं कि मोहम्मद समीर अंसारी कब से बीमार है और इनको कितने पैसे की और ज़रूरत है और कितना पैसा अभी तक खर्च हो चुका है। घर देखिए और इनके छोटे छोटे 3 मासूम बच्चे को देखिए। जब आप इनके बच्चे को देखेंगे, इनके घर को देखेंगे, तो आपको ज़रूर लगेगा कि इनको मदद की ज़रूरत है। जी, आपका नाम? रकीबा खातून। ये आपका हस्बैंड है? जी। कब से बीमार है ये? काफ़ी दिन से बीमार है, आधा इलाज कराए हुए हैं लेकिन पैसा के वजह से नहीं करवाए, छोड़ दिए। कहाँ से इलाज करवा रहे थे? दरभंगा से। दरभंगा से इलाज करवा रहे हैं, क्या हुआ है इसको? पूरा किडनी खराब है। अच्छा, दोनों किडनी खत्म है पूरा। तो वो महीना में कितने बार डॉक्टर कहते हैं आने के लिए? 2 बार, हर हफ्ते में। हाँ। 1 महीना में 4 मरतबा जाते हैं सर। 1 बार जाते हैं डॉक्टर के पास, तो कितना रुपया खर्च हो जाता है? 3000 से ऊपर हो जाता है लगभग। 3000 से ऊपर हो जाता है। आपके घर में कौन कमाने वाला है? कोई नहीं, वही कमाने वाला इंसान बीमार है तो घर कैसे चलेगा। पहले क्या करते थे ये? बिजली लाइन का काम करते थे। कब से ये काम इनका बंद है? काफी दिन से बंद है, 1 महीना से ऊपर हो गया है। 1 महीना से ऊपर? जी। फिर बच्चे और घर परिवार कैसे आपका चल पाता है? वही जो थोड़ा बहुत पैसा था इलाज वाला, वही पैसा से घर चलाते थे। अच्छा जी, तो अब इलाज क्यों रुक गया है, इनका इलाज क्यों नहीं हो पा रहा है? पैसे के कारण नहीं हो पा रहा है। पैसे के कारण नहीं हो पा रहा जी, पैसा रहेगा तो ना जाएंगे। कितने कितने उम्र के आपका बच्चा है? बड़ा वाला है 5 साल का ही। हाँ। ये 3 साल का है, ये 1.5 साल का, छोटा वाला बुआ। ये 1.5 साल का है जी, लड़की है, 3 साल की है। अच्छा, तो मैं तमाम लोगों से जो वीडियो देखते हैं, उनसे मेरा आग्रह है, निवेदन है कि इनके परिवार को मदद करने के लिए सामने आए और इनका जो अकाउंट नंबर ऊपर दिया गया है, उस पे आप जो पैसा लगाना हो वो लगा दे। मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी कारणवश उस अकाउंट पे अगर पैसा नहीं लग पाता है, तो नीचे मेरा पे फोन नंबर है, उस पे आप पैसा लगा दे। 2-4 रोज के बाद पुनः वीडियो बनाकर मैं उसे जितना रुपया होगा वो सौंप दूंगा। आप लोग 100, 50, 200 रुपया इस वैसे ही चौक चौराहे उड़ा देते होंगे, लेकिन इस गरीब परिवार को 100, 50, 200 रुपया अगर दे देते हैं, इनके पति का इलाज हो जाएगा। मधुबनी शहर के जो भी बड़े लोग हैं, जो वीडियो को देख रहे होंगे, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप अपने शहर में जो गरीब है, मजबूर लोग हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उन्हें मदद करें और मदद करने के लिए खुल के सामने आए। इनके बच्चे के भविष्य के बारे में सोचे, अगर कुछ हो जाता है तो इनके बच्चे का क्या होगा, इनकी वाइफ को क्या होगा। मैं सभी लोगों से यह कहना चाहूंगा कि आप लोग खुलकर आए सामने और इनके परिवार का मदद करें, और इस वीडियो को जो लोग देख रहे होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं पुनः बताता हूँ कि ये मधुबनी शहर के, मधुबनी जिला के मधुबनी शहर के मोमिन टोला मोहल्ला में इनका घर है, मदरसा के पास। और मैं तमाम जिला वासियों को यह कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे VH24 न्यूज़, मैं अब्दुल कुद्दूस, बहुत बहुत धन्यवाद।